अलेकुम वालेकुम शान से कैसे हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सर आप कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो आप लोगों ने लोकल डाउनलोड कर लिया था यस कर लिया ठीक है थोड़े ज्वाइन कर लें लोग तो फिर हम स्टार्ट करते हैं ओके सर तब तक तो अगर कल के लेक्चर से किसी की कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं ऐसा सॉरी असाइनमेंट बना लिया तो सर वो मैं उसमें ऐड करने गई थी गूगल शीट में लेकिन वहाँ पे वो कॉलम नहीं था पहले मैं ऐड करने लगी फिर मैंने कहा नहीं जब आप तो करेंगे फिर तो वो कर दूँ ऐसे ही जी जी आप कर दें नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर दें अपना नेम के साथ तो वो हम ऐड कर देंगे ओके सर ठीक है तो आप आ, स्क्रीन शेयर करें आप में से ना कोई भी मैम आप कर दें या कोई और कर दे तो क्योंकि मेरे पास लोकल इंस्टॉल है पहले से ही तो आप में से कोई करे तो मैं बताता हूँ किस तरह से हम करेंगे इसको सर मैं करती हूँ जी is विजिबल visible? जी, जी आ, मैं विजिबल है। हां मैं मारिया अपना प्रॉब्लम बताएंगे कि आ, क्या आ। हाँ। आपको इशू आ रहे हैं? जी, जी सर मैंने वो अनाउंसमेंट करनी थी तो कहेंगे अगर आप लोग जा सकते हैं तो मैं अनाउंसमेंट कर लूँ फिर आप लोग अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आ, जी सर इब्राहिम अनाउंस करें। जी जी, जी. मैंने अनाउंसमेंट करनी थी कि स्टैंड कोर इन प्लेस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो आई कोर गुरु इसके लिए सेशन कर रहे हैं स्टैंड जिस तरह किसी को पता well है तो उसका ये कोर इन प्लेस कॉम्पिटिशन कोर इन प्लेस जो एक प्रोग्राम होता है सिक्स वीक्स का तो इसमें आप पार्टिसिपेट करें तो आपके सी बी एक बड़ी अच्छी चीज आ जाती है और क्योंकि वॉल्टियर काम है इसके आपको पैसे नहीं मिलते जब आप बाहर अप्लाई करते हैं उसमें बड़ा फायदा होता है जब आप प्रोफेसर को दिखा सकते हैं कि आपने वॉलटायरली कोई काम किए बगैर पैसे लिए और साथ में इससे आपके जिस तरह हाकिस में जाते हैं तो इंटरनेशनल लोगों से आपके बात करने का मौका मिलता है फिर तो यहाँ भी ये यह होता है कि आपके इंटरनेशनल कनेक्शन बनते हैं तो इसके लिए आईकोट गुरु वर्कशॉप्स करवा रहे हैं फाइव फिफ्टीन पे आप स्लाक पे डेडिकेटेड चैनल भी देख सकते हैं तो पिछली जो वर्कशॉप थी उसके आपको फेसबुक पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उस पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया था कि स्टैंड कोर इन प्लेस क्या है रजिस्ट्रेशन लिंक्स तो आज की जो वर्कशॉप होगी उसमें यह कवर किया जाएगा कि इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है वीडियो सी वी वगैरह वगैरह तो इसमें आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ज्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें या तो पिछले साल भी पाकिस्तान से मेरे ख्याल से एलेवन हुए थे सिलेक्ट मेंटर्स उनमें से इतने हाईकोर्ट गुरु से थे तो इस बार हमारा बोला कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी अप्लाई करें ताकि लोगों को पता लगे इंटरनेशनल कि पाकिस्तान टेक की मार्केट में आगे आ रहे तो ये अनाउंसमेंट थी आप लोग देख सकते हैं स्लाख का चैनल भी है और फेसबुक पर रिकॉर्डिंग है थैंक यू प्लीज़ कंटिन्यू जी सर थैंक यू uh, मैम ऐसा इसको नेक्स्ट करें अच्छा तो इस जो सेटअप हमने डाउनलोड किया था उसको सिर्फ ओपन किया है और इसके बाद ये ऑप्शन आ रहे हैं हमें uh, बाकी सब लोग भी देख लें तो ओनली फॉर मी और नेक्स्ट और यहाँ पर जिस लोकेशन पर आपने इसको इंस्टॉल करना है वो वाली लोकेशन तो आप सी ही रहने दें और नेक्स्ट इंस्टॉल कर दें अलाउ तो कर दें यहाँ पे ये यह ब्लू कलर का साथ में शो हो रहा है यस सर अच्छा चैट में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने ये जो लोकल ये इंस्टॉल कर लिया है और कितने अभी साथ-साथ कर रहे हैं और किनका रहता है सर इसको भी अलाउ कर दूं जी मैम ये जितनी भी परमिशंस आपसे रिक्वायर करेगा आपको वो देनी पड़ेंगी क्योंकि ये वेबसाइट्स आपके लोकल ड्राइव्स में ही ऐड करेगा आपके कंप्यूटर में तो उसको ये चेंजेस करने के लिए ये परमिशंस चाहिए होती हैं तो ये तो वहीं पे स्टक हो गया जी ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा मैम ये नीचे ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप देखें उसको क्लिक करें ये जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे नीचे साइड साइड में मैं मार्क करता हूँ ये सर so, किधर अच्छा ये ठहरे मैं ये पहले साइड पे करूँ मेरे वो बार खुली हुई है आ, ये वाला जी जी इसको क्लिक करें तो so, यहाँ पे यस और नो आ रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस यस जी इसको यस कर दें ठीक है वो हमें शो नहीं हो रहा मे भी क्योंकि ये सिक्योरिटी के रिलेटेड होता है तो हमें शो नहीं हो रहा वो लेकिन आपने उसको अलाउ ही करना है ओके okay, फाइन मैम uh, अगेन आ रहा है तो वो आप देख लें अब जो ब्लिंक हो रहा है Uh, जी इसको रन करें सर आई थिंक हो गया कोई विंडो शो होगी ओपन करें इसको ये यह यहाँ पे uh, दिस पीसी के ऊपर शो हो रहा है uh, आइए yeah. जी आई हैव रेड एंड एग्री ठीक है यहाँ पे इसको करें एग्री तो करना ही पड़ेगा रेट तो बाद में कर लेंगे ठीक है ये क्रिएट अकाउंट जी इस पर क्लिक करें और इसको कंटिन्यू विद गूगल कर दें ये अकाउंट को क्लिक करें अपना जो ये शो हो रहा है इसको क्लिक करें और अब यहाँ पे अच्छा बाकी लोग जो साथ साथ कर रहे हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं मतलब पूछ सकते हैं तो अब मैम यहाँ पे ओपन लोकल करें ऑन एरर इंपोर्टिंग जी ये कर दें दोनों में कोई भी कर दें कोई इशू नहीं है जी कर दें इसका ठीक है जो, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आप उसके साथ-साथ फिर आप भी अपनी साइड ऐड कर लीजिएगा ओके फ्रेंड्स स्टॉप शेयरिंग कर दी जी थैंक यू सर Uh, जी मेरी स्क्रीन विजिबल है जी सर विजिबल yes, है ठीक yes. है तो ये मैंने पहले से कुछ वेबसाइट्स ऐड की हुई हैं लेकिन एक न्यू हम ऐड करते हैं यहाँ पे साइट पे बटन शो हो रहा होगा ठीक है ये ऐड लोकल साइट ठीक है इसके बाद आप इसको क्रिएट न्यू साइट पे करेंगे इसी को सिलेक्टेड रहने देंगे एंड कंटिन्यू और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो नाम रखना होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो हाईकोर्ट गुरु मैंने रख दिया यहाँ पे नाम और इसके एंड पे ये ऑटोमेटिकली ना डॉट लोकल ऐड कर देता है तो अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं डॉट कॉम या डॉट पी के तो वो अभी कर सकते हैं आप ठीक है ये जो नाम था वो ऊपर और जो इसके बाद जो डोमेन डौ, थी मतलब डॉट वो आप उसके नीचे ऐड कर सकते हैं और इसको प्रेफर्ड ही रहने दें और यहाँ पे आप लोगों ने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना होता है जो आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि ये लोकल ही है तो इसके लिए तो कोई भी आप रख सकते हैं क्योंकि इस इसको सिक्योरिटी का इशू कोई भी नहीं है क्योंकि ये वेबसाइट लोकल नहीं है मतलब कि लाइव नहीं है ये, ये लोकल में है आपके कंप्यूटर में ही रन होगी सिर्फ तो मैंने ये ये यूज़र नेम रख दिया और ये पासवर्ड तो मैंने साइट किया तो अभी भी मुझसे ये दोबारा कुछ परमिशन मांगेगा क्योंकि इसने इस वर्ड को डाउनलोड करना होता है और हमारे कंप्यूटर में उसकी फाइल्स रखनी होती हैं जो भी वर्ड की कोर फाइल्स होती हैं तो उनको डाउनलोड करता है और हमारी सी ड्राइव में जहाँ पे इंस्टॉल होता है उनको वहाँ पे प्लेस करता है तो इसलिए इसको परमिशन चाहिए होती हैं तो अभी मे भी आप लोगों को शो हो रही हो मुझसे उसने परमिशन मांगी है तो मैंने यस किया उसको जितने भी रेशन मांगे आपको अलाउ करना पड़ेंगे वो अगर नहीं करेंगे तो वो फिर इशू आएगा साइट को ऐड करने में अच्छा जो लोग कर रहे हैं साथ-साथ वो, वो, वो उस किसी को मतलब इशू आ रहा हो अभी तक जी सर उमेर आप कर रहे हैं साथ साथ ऐड जी सर कर रहे हैं जी सर कर रहे हैं uh, सर वकास आप कर रहे हैं ऐड वेबसाइट का नेम कोई भी दे सकते हैं जी बिल्कुल कोई दे भी दे, 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 दे सकते दे हैं जी जी Okay. लेकिन वेबसाइट के नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए आप ये डैश दे सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं होनी चाहिए ठीक है मेरी ये वेबसाइट ऐड हो गई है तो अभी आप लोग में से बताएं कि आप लोगों ने किया या नहीं की या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है यहाँ तक तो यस सर ऑलरेडी ठीक है साइट भी ऐड कर लिया आपने यस yes, ऑलरेडी तो वा हुआ हुआ जी जी ठीक है चले ठीक है अगर फिर भी किसी का कोई इशू हो साइट ऐड करने में तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डब्ल्यू पी एडमिन ये वाला बैकहड ओपन करेगा जहाँ से हम साइट को मैनेज कर रहे होंगे और ये वाला ओपन साइट जहाँ से साइट का फ्रंट एंड शो होगा हमें तो मैंने ओपन साइट क्लिक किया तो इस तरह से मेरा फ्रंट एंड है और इसके ऊपर एक ऑलरेडी थीम इंस्टॉल है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और मैं इसका बैकहड भी ओपन कर लेता हूँ डब्ल्यू पी एडमिन और यहाँ पे मुझे वो पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा जो मैंने सेलेक्ट किया था एडमिन का ठीक है एडमिन और वन टू थ्री जी वाला मैंने दिया था पासवर्ड अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ तो मुझे ये बैकेंड में इस तरह से शो हो रहा है ठीक है आप लोग कंफर्म करें कि किस-किस ने यहाँ तक कर लिया हुआ है मतलब वेबसाइट ऐड कर लिया है और उसने बैकएंड भी ओपन किया और फ्रंटएंड भी करके देख लिया मैम आपने कर लिया नो सर लैपटॉप में स्पेस का मसला तो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा तो आप किसी और ड्राइव में इसको इंस्टॉल करके ट्राई करें ट्राई किया लेकिन वो नहीं हो रहा तो

कर ली आपने ऐड कर लिया वेबसाइट और आपने ओपन करके देखा एडमिन डैशबोर्ड सर भी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ उसने लेने का सिस्टम है ना तो उसमें थोड़ा टाइम ले रहा है जी ठीक है आ, सर उमर आपने कर लिया इंस्टॉल और वेबसाइट ऐड कर लिया सर इंस्टॉल हो गया होगा डाउनलोड हो गया होगा अब इंस्टॉल कर रहा हूँ कर लेता हूँ तो जी ठीक है तो अब तो हम इसकी फाइल देख लेते हैं कि जो वर्डप्रेस हमारे इधर दर... दीदी मेरे पास आया माय फर्स्ट साइट मैंने वेबसाइट का नाम दिया मैं फर्स्ट साइट लिखा था तो ये सारी आगे स्पेसिफिकेशन दे रहा है साइट डोमेन एसएसएल और वेब सर्वर पीएचपी सर्वर ये सारा दे रहा है पीएचपी वर्जन तो डब्ल्यू तो... डब्ल्यू पी एडमिन है और ओपन साइट है तो क्या करना है यहाँ पर जी आपको ये जो ऑप्शन दो शो हो रहे हैं ना ये आप सिर्फ ये ओपन करके देखें और ये ओपन साइट तो यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ से आपकी लाइव साइट ओपन होगी अभी से अभी कोई सा भी कर दो जी दोनों आप ट्राई करें दोनों ओपन करके देखें ओके okay, जी ईमेल मांग रहा है वो जैसे ईमेल अच्छा जब आपने वेबसाइट इंस्टॉल की थी तो तब आपने एक एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड दिया था तो वो आपको वहां पे एंटर करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए वो जो था जो गूगल से लिया था जब आपने वेबसाइट ऐड की थी तो आपने एडमिन और वन टू थ्री अपने यूजर नेम और पासवर्ड को रखा होगा ना जैसे मैंने रखा था एडमिन जी, जी,

जी तो तब तक मैं पहले ये थोड़ा सा बता दूँ इस एडमिन डैशबोर्ड का फिर हम फाइल की तरफ चलते हैं ताकि बाकी लोग भी इंस्टॉल कर लें तब तक तो ये डैशबोर्ड है इसमें सारी डिटेल्स होती है जैसे साइट की हेल्थ और क्विक uh, ड्राफ्ट जो आपने चीज़ें ऐड की होंगी और वो ड्राफ्ट में रह जाएंगी तो वो यहाँ पर होंगी और इसके बाद uh, ये पोस्ट है पोस्ट कितनी है इसमें मतलब वेबसाइट में मतलब सारा जो समरी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी डैशबोर्ड में इस इस पेज के ऊपर तो इनको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं अगर आप यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी ना हो ये क्लीन रहे थोड़ा सा तो आप इनको यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन में जाके ये सबको अनटिक कर सकते हैं तो ये इस तरह से फिर रह जाएगा और जो आप चाह रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ वही ऑप्शन शो हों तो उनको आप टिक रहने दे सकते हैं मतलब टिक कर सकते हैं उनको ठीक है इसमें अपडेट्स आते हैं आपके थीम्स के और प्लगिंग्स के जो अपडेट्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे इसके बाद पोस्ट हैं जो अभी आप यहाँ पे पोस्ट ऐड करेंगे कोई भी तो यहाँ पे आप ऐड न्यू कर सकते हैं और जो प्रीवियसली पब्लिश होंगी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगी यहाँ पे आप ऐड न्यू कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं इसके बाद कैटेगरीज है टैग्स है मीडिया है मीडिया में आप जो लोग जो भी आप इसमें अपलोड करेंगे पिक्चर्स ठीक है और पी तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे यहाँ से आप सेलेक्ट फाइल करके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं तो इस मीडिया लाइब्रेरी में सारी चीज़ें शो हो हुँ रही होंगी उसके बाद पेजेस है पेजेस भी सिमिलर हैं लेकिन पेजेस जो वेबसाइट के तो ऊपर पेजेस होते हैं जैसे ये, ये एक फ्रंट पेज है ये सैम्पल पेज है तो इस तरह से और भी आप पेजेस ऐड कर सकते हैं तो ये पेज का कंटेंट है तो ये यहाँ पे आप और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं इसके बाद कमेंट्स है जो आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स आते हैं और ये अपीयरेंस है अपीरेंस में थीम्स होते हैं जो आपके करंट इंस्टॉल्ड होते हैं तो वर्ड पे ये थीम्स बाय डिफॉल्ट होते हैं ये वर्ड की डायरेक्टरी से हैं 2024, 2023 और 2022 तो ये वर्ड जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेश वर्ड के साथ ये थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं तो अभी तक हमारे पास जो एक्टिवेट है वो है ट्वेंटी और जो हम डिवेलप करेंगे वो भी यहाँ पर ही शो हो रहे होंगे ठीक है हम इनको यूज़ नहीं करेंगे हम अपना थीम डिवेलप करेंगे और यही चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं उसके बाद प्लगिन हैं प्लगिन होते हैं जो जो थीम्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी को या वेबसाइट जो होती है उनकी फंक्शनैलिटी में चीज़ें जो है एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने के लिए होते हैं ठीक है मतलब कुछ भी आप चाह रहे हैं कि ये जो बिहेवियर है डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको थोड़ा सा चेंज करके देखना चाह रहे हैं उसको जैसे लॉग पेज जो होता है जैसे ये वर्डपेस का लॉगिन पेज है अच्छा अगर आप यहाँ पे नहीं यहाँ से नहीं ओपन करना चाह रहे मतलब आप चाह रहे हैं कि एडमिन डैशबोर्ड यहाँ से क्लिक करके नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट का नाम और स्लैश uh, लगा के डब्ल्यू पी एडमिन करेंगे तो एंटर करें तो आपको कोई डायरेक्ट ही एडमिन डैशबोर्ड में ले जाएगा अगर आपने लॉग नहीं किया तो पासवर्ड और मांगेगा यूज़र uh, नेम और पासवर्ड और अगर किया हुआ लॉग इन तो वो डायरेक्टली आपको एडमिन डैशबोर्ड में ले जाएगा तो मैंने इसको लॉग आउट किया तो जैसे ये है यहाँ पे लोगो शो हो रहा है वर्डप्रेस का और ये फॉर्म जो है ये भी कुछ प्रोपरली शो नहीं हो रहा तो प्लगइन्स आप खुद से डेवलप करते हैं या पहले से बने हुए प्लगइन्स यूज करते हैं इस पेज को थोड़ा सा अच्छी लुक देने के लिए ठीक है क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इस तरह से आ रहा है ना तो आप प्लगिन बना के उसमें फंक्शनैलिटी एड करते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए इसकी इमेज चेंज हो जाए ये वाला लोगो चेंज हो जाए तो वो प्लग इन डेवलप करके ये चीज़ें कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब अब बाकी लोग बताएं जिन जिन्होंने वेबसाइट ऐड कर ली है और यहाँ तक पहुँच गए हैं जो लोग कर रहे थे और साइट ऐड कर रहे थे वो लोग कंफर्म कर दें ताकि हम आगे बढ़ें सर हो गया आप कर रहे थे सर हो गया ऑलमोस्ट और मैं माशा आप आपकी भी हो गई थी यस yes, सर मैं मैं भी कर रही हूँ सर ठीक है तो अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे ही आपके लोकल में अब यहाँ पे देखें एक ऑप्शन होता है गो टू साइट फोल्डर कि जहाँ पे जो जो हमने लोकल साइट ऐड की है इसकी फाइल्स हैं ठीक है, है? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गो टू साइट फोल्डर तो ये एक न्यू फोल्डर ओपन करेगा नीचे ठीक है जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये रेड शो कराना शुरू हो गया मुझे कि आपकी जो फोल्डर है आपका वो ओपन हो गया तो आप यहाँ पे ऐप में जाएंगे सबसे पहला ऑप्शन देन पब्लिक में तो ये जो फाइल्स हैं ये वर्ड की रूट फाइल्स हैं और यही जब हम ऐड कर रहे होते हैं साइट तो वो शो करवा हो रहा होता है डाउनलोडिंग वर्ड या इंस्टॉलिंग वर्ड तो यही फ़ाइल्स डाउनलोड हो रही होती हैं और देन वर्ड इंस्टॉल हो रहा होता है ठीक है तो ये वर्ड की वेबसाइट मेन वेबसाइट से डाउनलोड होती हैं पहले और ये लोकल सॉफ्टवेयर जो है इनको ऑटोमेटिकली सब कुछ इंस्टॉल करके यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है हमारी सी ड्राइव में या जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया होता है ठीक है तो ये आपकी साइट का मेन डाटा है मेन फाइल है यहाँ पे इसमें डब्ल्यू पी एडमिन है डब्ल्यू WP... पी जी सर वकाश अली सर फोल्डर जो है ये अदर ड्राइव में नहीं बना सकते तो विंडो उड़ जाएगी तो ये सारे उड़ जाएंगे बिल्कुल बना सकते हैं जैसे मैंने तो सी में किया था अब इसको लोकल को इंस्टॉल ही डी में कर लें ठीक है या ई e में कर लें ताकि जब आप विंडो करें तो आप लोग की ये फाइल रिजर्व रहें ठीक है मैंने तो ये प्रैक्टिस के लिए बनाई है तो मुझे मुझे ये चाहिए भी नहीं होगी बाद में तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे किया है लोकल को डी में कर ले बिल्कुल ठीक जब आपकी विंडो होगी तो तब फाइल नहीं उड़ेंगे ठीक है तो ये वर्ड की कोर फाइल है जब आप वर्ड को डाउनलोड करेंगे ना खुद से मैनुअली तो उसमें भी आपको यही फाइल मिलेंगी तो मैं इसके में डब्ल्यू पी कंटेंट में जाता हूँ तो अब ये फोल्डर्स हैं थीम्स के थीम का फोल्डर है एक और एक प्लग का फोल्डर है प्लग में सारे प्लग होंगे जो हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल होंगे और थीम्स में हम जो हमारे थीम डाउनलोड और इंस्टॉल्ड होंगे या इंस्टॉल्ड होंगे और एक्टिवेट नहीं होंगे वो भी सारे इधर ही होंगे ठीक है जैसे मैंने अभी एडमिन डैशबोर्ड में देखे थे कि मेरे पास तीन थीम्स थे उनमें से एक एक्टिवेट है और बाकी डाउनलोडेड हैं लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है तो वो भी वहां पे शो हो रहे होंगे ठीक है ये टू है ये थ्री है ये फोर जो एक्टिवेट है तो यहाँ तक आप आप लोग पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन है कि किसी भी कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक फोल्डर की डायरेक्टरी में आने के आने के लिए ये यह मतलब यहाँ तक पहुँचने में किसी कोई प्रॉब्लम हो कि सर मैं तो कैसे है? सर मैं तो कहीं और ही खो गई हूँ पता नहीं किधर को निकल गया जी जी मैंने इसीलिए पूछा है तो यहाँ से हम आए थे आई कोट गुरु के नीचे ही साइड का फोल्डर ओपन वगैरह करना जी जी ठीक है साइड का फोल्डर ओपन किया तो वो आपको लेके आएगा यहाँ पे ठीक है ऐप में ओके okay. तो ऐप में आगे आपने जाना है पब्लिक में और देन WP पी कंटेंट जो मिडल वाला फोल्डर है तो यहाँ पे थीम्स और प्लग के फोल्डर होते हैं तो हम थीम्स के फोल्डर में आए सर मैं एक दफा आप, आप ये करके बाद में इसके साथ देखूंगी इस मेरे ख्याल मेरे एकदम पॉइंट मिस हो गया जी ठीक है अच्छा तो यहाँ पे हम अपना जो तो थीम डेवलप करना होगा हमने वो यहाँ पे हम इसका फोल्डर बनाएंगे जैसे इनका फोल्डर बना होगा ठीक है, है सारे प्रीवियस थीम के फोल्डर बने हुए हैं तो यहाँ पे हम अपना एक थीम बनाएंगे तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन तो यहाँ पे एक फोल्डर आ गया मेरा और मैं यहाँ पे अपना थीम का नाम देने लगा हूँ यहाँ पे फोल्डर का नाम ठीक है तो मैंने यही नाम रखे जो मेरी वेबसाइट का नाम है जरूरी नहीं है कि आप वही थीम का नाम रखें जो कि आपकी वेबसाइट का है आप बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट नाम रख सकते हैं ठीक है, है? ये थीम है और जो वेबसाइट थी वो अलग है मतलब आप इस बिल्कुल डिफरेंट रख सकते हैं जो भी अपने थीम का नाम रखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे पिछले जो थीम्स हैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि तो वो मुझे नहीं चाहिए ये फोर अभी करंट एक्टिवेटेड है और ये आई कोड गुरु का फोल्डर जो अभी मैंने क्रिएट किया है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बी कोड में तो अब यहाँ पे मुझे कुछ फाइल करनी पड़ेगी कि मेरा जो थीम है वो डिस्प्ले होने शुरू हो जाए उधर बैक एंड में तो सबसे पहले मुझे फाइल क्रिएट करनी है वो है इंडेक्स. index.php और इसके अलावा मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी है स्टाइल. style.css ठीक है एक्सक्यूज मी सर अब इसमें हम अभी तक हमने जो कुछ भी आप पीएचपी और सीएसएस हम्म एचटीएमएल जो कुछ भी पढ़ा आप सारा इसमें मर जाओगा फिर कुछ बनाएंगे हमने जी इसका जो थोड़ा सा जो मतलब कि इसका प्रोसीजर डिफरेंट है लेकिन जो हमने चीजें अभी तक पढ़ी हैं वो सारी यूज हो रही होंगी इसी में ओके सर ठीक है तो अभी मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और मैंने एम्प्टी फाइल क्रिएट की है इंडेक्स.php की और स्टाइल.css की तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पी एच पी और को हेलो ठीक है तो इसके अंदर ही हम अपने पूरी थीम का कंटेंट जो है वो ऐड कर रहे होंगे और जो स्टाइल डॉट सी एस एस होती है फाइल उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप इसमें ये कमेंट्स में ऐड करके ये इस तरह से ठीक है इसके अंदर आप अपने थीम का नेम दे रहे होंगे यहाँ पे लिखेंगे थीम नेम तो मैंने कोड गुरु रखा है देन इसके अंदर थीम, थीम का जो यू आर एल वो क्या हो इसके बाद ऑथर इसका मतलब जिसने थीम डिवेलप किया है तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे और देन ऑथर का भी यू होता है कि ऑथर की प्रोफाइल पेज जो ऑथर ओपन करवाना चाह रहा है उधर शो हो रहा होगा बैकेंड में ये तो वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसके बाद इसका वर्जन मतलब कि जो न्यूली डेवलप्ड थीम है उसका वर्जन 1.0 है यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस की है वो है डिस्क्रिप्शन ठीक है ठीक है ए सिंपल थीम फॉर आई कोड गुरु डॉट पी के अब यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं और ये कोलन लगा के आप इसके आगे इस, इसका पहले ये लिखेंगे चीज़ और इसके बाद वाली जो वैली है वो चेंज कर सकते हैं ये जो पहले वाली हैं ये वाली प्री डिफाइंड है इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सामने लिखी हुई चीज़ें ठीक है, है ये नेम और ये यू और ये डिस्क्रिप्शन ये चेंज कर सकते हैं ये वाली वर्ड की तरफ से डिफाइंड है पहले से तो अब मैं ओपन करता हूँ वर्ड का एडमिन डैशबोर्ड और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखते हैं कि हम हमने जो पहले जो दो थीम थे उड़ा दिए थे और डिलीट कर दिए थे तो वो यहाँ से भी डिलीट हो गए और जो हमने फोल्डर एक न्यू क्रिएट किया था आईकुड गुरु के नाम से वो यहाँ पे शो होने लग गए ठीक है और अभी के लिए मैं आपको इसका फ्रंट पेज भी दिखा दूँ अभी के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ही एक्टिवेटेड थीम है हमने अभी अपना जो थीम क्रिएट किया है वो एक्टिवेट नहीं हुआ इससे पहले हम थीम डिटेल्स देख लें और थीम डिटेल में आप देखेंगे कि जो मैंने थीम का नाम दिया था जो थीम का वर्जन था और जो थीम का ऑथर है और इस ऑथर के साथ इस ऑथर का जो यू है मतलब जो यू है वो भी अटैच है कि जिसने थीम डिवेलप किया उसका प्रोफाइल पेज अगर ओपन करवाना है तो आप इसके साथ लिंक करा सकते हैं ठीक है ये ऑथर यू से आ रहा है इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है इस थीम की तो वो मैंने यही ऐड की थी तो वो इस तरह से शो हो रही है तो अभी के लिए जो हमने दिया सॉरी फॉर इंटरप्शन वर्जन जो हमने दिया ये प्री डिफाइंड है या कि हम लोग खुद मतलब हमें देना होगा कि क्या होना चाहिए क्या देखें वर्जन जो है जो वर्जन वर्जन कीवर्ड है वो तो प्री प्रीडिफाइंड है लेकिन वन पॉइंट जो है वो हम क्योंकि ये पहला इसका है इंटरफेस मतलब पहल फर्स्ट टाइम आया मार्केट में तो उसका वन पॉइंट जीरो ही होता है इसका आपने अपडेट देना हो तो फिर वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू तो वो अपडेट करते रहते हैं वर्जन इस तरह से ओके सर ठीक है जी तो अभी के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ही एक्टिवेट है तो ये आप देख रहे हैं सारा कॉन्टेंट शो हो, हो रहा है जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब हमें क्या शो हो, हो रहा है तो अब जो इंडेक्स डॉट पी एच पी में मैंने लिखा था हेलो वर्ड सिर्फ एक वो ही मुझे बाकी सारी चीज़ें गायब हो गई हैं अच्छा तो आप लोगों में से अभी बताया कि यहाँ तक कौन कौन पहुँचा है जी सर, जी सर विकास अली आप आ, आपने ये आप कहाँ तक पहुंचे मोबाइल से ले रहा हूँ सर अकमल खान नहीं, सर? आपने जी जी सर ये गो टू तो साइड फोल्डर के बाद आप किधर गए थे इसमें ऐप में गए थे आप पब्लिक जी गो टू तो साइड फोल्डर सर फिर आप एप्स के बाद पब्लिक में अपडेट जी पब्लिक के बाद उसके बाद पब्लिक में उसके बाद डब्ल्यूबी कंटेंट में जी सर देन थीम्स में जी ठीक है सर इस फोल्डर को आपने ओपन किया था कि इधर न्यू फोल्डर बनाया था इसमें मैंने आईकूड गुरु के नाम से एक न्यू फोल्डर बनाया और देन इसको मैंने वीएस कोड में ओपन किया था जी ठीक है सर थैंक यू जी तो कुछ लोग तो हैं जिन्होंने पहले से भी लिया हुआ है बूटकैंप और उनको आइडिया है लेकिन कुछ लोग बिल्कुल न्यू हैं तो इसलिए हम स्लो स्लो चल रहे हैं ताकि वो पीछे ना रह जाएं जी सर ओमपायर आपने कितना किया है कहां तक पहुंचे हैं ऐड कर ली ठीक है आप ये ट्राई करें ये जो फोल्डर ऐड करके आई कोड गुरु उसको वी एस कोड में ओपन करके दो फाइल्स क्रिएट करनी है और स्टाइल डॉट सी एस एस में आपने ये डिटेल्स लिखनी है ठीक है सेम मैनुअली कैसे ओपन करेंगे हम अगर उधर से डायरेक्ट को ओपन नहीं हो रहा तो uh, यानी वी एस कोड में जाके फोल्डर को डायरेक्टली uh, ओपन क्यों नहीं हो रहा सर वो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन उधर ऑप्शन नहीं आ रहा ओपन विद ठीक है तो आप वी एस कोड ओपन करें और यहाँ पे फाइल में आ जाए और यहाँ से आप ओपन फोल्डर लुकेट कर लें इसे लोकेट कैसे करना है ओपन फोल्डर के बाद ये किधर पड़ा होगा सी में सर जी इसका ना मैं आपको दिखाता हूँ एक एक सेकंड के आप जब आएंगे ना यहाँ पे अगर आप उसको साइट को गो साइट फोल्डर को गो साइट फोल्डर से नहीं जाना चाह जा रहे तो यहाँ पे आपका ना यूज़र नेम आ रहा होगा ठीक है जो आपका कंप्यूटर का कंप्यूटर में यूज़र नेम ऐड होगा ना ठीक है ये जैसे मेरा आ रहा है ये यूज़र का नेम है जो कंप्यूटर में ऐड है तो इसके अंदर आपने लोकल साइट्स में आना है ठीक है ये लोकल साइट्स हैं और देन यहाँ पे आई कोड गुरु है तो अब अब ये वही इंटरफेस आ गया जो हम गो साइड फोल्डर से जाके करते हैं ठीक है सर मैं ट्राई करता हूं ठीक है उसके अलावा आप सी में जाके सी में भी यूजर्स में जाके और देन अपने यूजर नेम में और फिर यहाँ पे लोकल साइड में भी जाके जा सकते हैं ठीक है मेनली आपको अपने तो यूजर नेम को तो ओपन करना होता है ओके ठीक है तो आई होप कि आप सब लोग कर लेंगे इसको सर सर जी, जी मैम सर मैंने तो क्रिएट किया आपकी तो कस्टमाइज़ की ऑप्शन आ रही थी ना तो मेरी कस्टमाइज़ की ऑप्शन नहीं आ रही बस थीम का नेम शोर है कहाँ पे कस्टमाइज़ का सर यही जहाँ पे आपने ये थीम क्रिएट किए है यहाँ पे लिखा है एक्टिव आइकॉन गुरु साथ में एक्टिव उसकी ऑप्शन आ रही है कस्टमाइज की जी यहाँ जहाँ पे आपका कर्सर है उधर ही तो आपने ये एक्टिवेट एक किया है इसको सर मेरा इस तरह से तो इंटरफेस नहीं शो हो रहा मेरा दिखा हुआ है ब्रोकन थीम्स द फॉलोइंग थीम्स आर नॉट इंस्टॉल्ड बट इनकंप्लीट आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं जी सर संजी सी मैम आपने स्टाइल सी एस एस बनाई है वहाँ पे, थीम के के अंदर। अच्छा, ए, एक एक चीज ना आप सब याद रखें कि इसके अंदर naming convention में स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है वो उन्हीं को रिकॉग्नाइज करता है जो उसने हमें बताए मैं तो स्टाइल के या इंडेक्स के आप अगर स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखेंगे ना तो वो इसको पिक नहीं करेगा मैम इसको करेक्ट कर लें एस टी वाई एलई जी सर सॉरी जी अब उसको रिफ्रेश करें सर जी ठीक है जी जी इट्स ओके okay. देखिए गलतियां नहीं होंगी तो हम सीखेंगे नहीं सो इट इट मीन्स क्या आप ना एफर्ट कर रही हैं जी सर को लास से पहले पे मेरे में वो भी मुझे बता सर कुर्बान जी जी जरूर एंड uh, पे हम देख लेते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम एच टी एम एल को कन्वर्ट कर सकते हैं WordPress के थीम्स में ठीक है अब मेरे जो फ्रंट एंड पे है जिस तरह मैं इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया और सिर्फ यही शो हो रहा है तो इसमें होता गया कि आप पहले एच टी एम एल को लिखते हैं पूरे को पूरा डिजाइन करते हैं आप उसमें हेड हेड सेक्शन डिजाइन करते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे मैं बना दू की यह, यहाँ पे मेरा हेड है और यहाँ पे सारे मेन्यूज शो हो रहे हैं और सारी आइटम्स पे शो हो रही हैं देन उसके अंदर बॉडी का कंटेंट होगा पूरा और उसके नीचे फिर फुटर का सेक्शन होता है ठीक है जिस तरह वेबसाइट्स में होता है तो बजाय कि मैं अब एच का पूरा लिख के यहाँ पे उसको डिजाइन करूँ तो मेरे पास एक टेम्पलेट है तो मैं उसको थीम में कन्वर्ट करना आपको सिखाता हूँ तो मैं वो टेम्पलेट ले लेता हूँ ठीक है ये किसी के असाइनमेंट दी सही आप में से तो ये वाले मेरे पास फाइल्स हैं मैंने इनको सबको कॉपी किया और साइट फोल्डर में और पब्लिक एंड कंटेंट और थीम्स में और देन मेरा थीम जो है आई कुड गुरु तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया जो भी फाइल्स मैंने कॉपी की थी तो ये एक पूरी एच की साइट है ठीक है जो मैंने अभी कॉपी करके यहाँ पे लेके आया हूँ अच्छा एक मिस्टेक ये हुई है कि जो उधर से मैंने सी कॉपी की थी तो वो इसके साथ रिप्लेस हो गई है तो आई थिंक ये इशू करेगा जी तो यही हुआ है कि वो एक स्टाइल सी पहले से थी और एक मैंने कॉपी करके उधर रख दी है ठीक है तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ जी ये तो डिलीट हो गई हैं और अब इसमें स्टाइल. डॉट सी करना पड़ेगा मुझे ठीक है मैं इसमें इस स्टाइल. डॉट सीएसएस में जो मैं उधर से लेके आया हूँ इसमें ही मैं अपनी थीम की पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर कमेंट्स में मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है थीम की मतलब थीम का नाम और डिस्क्रिप्शन और जो भी इसकी डिटेल मैंने पहले लिखी थी ठीक है डिस्क्रिप्शन एंड देन ऑथर सर अगर हमने कोई और इस तरह से जिस तरह से आपने कॉपी उधर से किया डाटा और इधर पेस्ट करना चाहा तो वो तो ओवर हो गया तो फिर इस तरह से करेंगे ताकि ओवर ना हो जी तो ओवरराइट सिर्फ ये हुआ था कि पहले से एक स्टाइल डॉट फाइल थी और जो मैंने कॉपी किया था उसमें भी एक स्टाइल डॉट की फाइल थी तो वो नेम सेम थे तो इसलिए ओवरराइट हुआ था ठीक है अदरवाइज नहीं होगा कुछ भी ठीक है यहाँ से जो मैंने असाइनमेंट थ्री कॉपी की थी तो उसमें भी एक स्टाइल और सी थी और जो जहाँ पे फोल्डर थीम के फोल्डर मतलब आई कोड गुरु इससे भी एक स्टाइल और सी थी जो हमने पहले से क्रिएट की हुई थी ठीक है तो इसलिए वो इसके ऊपर ओवर हो गई है अच्छा, अच्छा तो ये जो साइट है मैं इसका पहले इंटरफेस आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से है मैंने गो लाइव क्लिक किया तो ये इस तरह से शो हो रही है ठीक है आप लोगों में से किसी की असाइनमेंट थी तो ये वही मैंने वहां से ही उठाई है तो ये पूरी सीएसएस और बूटस्ट्रैप से हुई है डेवलप और ये इस तरह से शो हो रही है जैसे मैंने इसको लाइव सर्वर पे लाइव uh, किया है तो अभी मैं जो तो मेरा थीम है ये मेरी थीम की फाइल है इसका index.html जो है पूरा मैंने कॉपी किया और इसको मैंने रख दिया पीएचपी के फोल्डर में ठीक है पीएचपी की फाइल में इंडेक्स डॉट पीएचपी में और यहाँ पे मेरी स्टाइल डॉट सी जो है वो भी अवेलेबल है और बूट भी लिंक है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसका कोड जो है वो इंडेक्स डॉट पी में रख लिया है इंडेक्स रोड एच टी एम एल का और अभी मैं अपनी साइट को लोड करता हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो इस तरह से नहीं है जहां पे जो इस वेबसाइट पे शो हो रही है ठीक है इसमें इमेजेस गायब हैं और बाकी चीजें भी इसमें शो नहीं हो रही काफी चीजें डिस्प्ले नहीं हो रही और जो मेन स्टाइलिंग आ रही है वो आ रही है यहाँ से बूट स्ट्रैप से ठीक है लेकिन जो स्टाइल और सीएसएस है वो लिंक नहीं है इसके साथ ये इस तरह से थी पहले वेबसाइट और अब हमें इस तरह से शो हो रही है ठीक है ये इसलिए है क्योंकि ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं मैं इनको क्लोज कर दूं। वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूआरएल जो है वो यहां से बन रहा होता है ठीक है के, जो भी वेबसाइट का यूआरएल है वो इस डायरेक्टरी से ना बन रहा होता है लेकिन इसके अंदर जो हमारी स्टाइल्ड और सी एस एस है वो पड़ी होती है थीम के फोल्डर में ठीक है ये थीम का फोल्डर है और स्टाइल डॉट सी एस एस है वो है यहाँ पे पड़ी हुई है तो इस स्टाइल्ड और सी एस एस को लिंक करने के लिए हमें इस फोल्डर तक आना पड़ता है और देन हम इसको लिंक करते हैं तो फिर वो डिस्प्ले होना शुरू होती है जो स्टाइल डॉट सी एस एस में कॉन्टेंट होता है तो पहले हम इसका जो मेन मेन uh, जो फाइल्स हैं वो पहले बना लें देन हम इसकी स्टाइल और सीएसएस को भी लिंक करेंगे इसके साथ तो सबसे पहले ऐसा तो ये यह यहाँ से नहीं लिंक हो जाएगी जिस तरह हम रेफरेंस देते थे ना इसको थोड़ा सा मेथड इसका डिफरेंट है और वो हम देखेंगे किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से इसकी डायरेक्टरीज चेंज हो जाती हैं और फिर हमें फंक्शन फंक्शन यूज करने पड़ते हैं वर्ड प्रेस और फिर वो स्टाइल और सी लिंक होती है okay. तो सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि जो भी हेड पार्ट होता है इसका वेबसाइट का हेडर पार्ट होता है उनको हम अलग करते हैं ताकि हम बाकी पेजेस में भी इन चीजों को लिंक कर सकें तो मैंने यहां से लेके यहाँ तक इसको कट किया ठीक है और मैंने यहां पे एक न्यू फाइल क्रिएट की हैडर. डॉट पी के नाम से ठीक है

हम उनके कोड को बार बार यूज करने के लिए मतलब कि बार बार यूज करने के लिए इन फाइल्स को अलग कर देते हैं और फिर सिर्फ हेडर के पार्ट को कॉल कर लेते हैं जिस पेज पे हमें कॉल करना होता है और बनाएंगे हम पीएचपी में जी पीएचपी बनाएंगे क्योंकि वर्डप्रेस की कोर फाइल जो है वो पीएचपी में है और थीम डेवलपमेंट भी सारी पीएचपी में हो रही होती है तो अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ और आप देखेंगे कि जो हमारा हैडर uh, था हेड्रेड डॉट पी एच पी मतलब जो हेड सेक्शन था वो सारा गायब हो गया और जो उसके बूट लिंक थी वो भी सारी गायब हो गई है ठीक है क्योंकि हमारी सिर्फ अभी के लिए इंडेक्स डॉट पी एच पी है वही कॉल हो रही है ना तो हैड्रेड डॉट पी एच पी कॉल हो रही है और जो ना इसके अंदर बूट है वो कॉल हो रही है तो इसके लिए वर्ड uh, प्रेस की फंक्शन होता है कि आप लोग यहाँ पे पी एच पी स्टार्ट करेंगे जो हमने पढ़ा था पी एच पी स्टार्ट और एंड किस तरह से करते हैं और यहाँ पे आप एंड करेंगे ठीक है एंड नहीं करेंगे तो ये जो HTML टी नीचे का कॉन्टेंट है उसमें एरर आना शुरू हो जाएगा तो आपको पी एच पी स्टार्ट भी करनी पड़ेगी और एंड भी करनी पड़ेगी इधर ही ठीक है इसी लाइन में और तो सर, यहाँ एंड पे आपके पार्ट नीचे होता था मतलब ये कह रही है कि जो एंड करें हम इसको नीचे एंड करें जी 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 तो एंड कर... बेसिकली ना मकसद ये होता है कि जहाँ पे हमने पीएचपी लिखनी है मतलब इस इतने पार्ट में हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम हम यहाँ से लेके यहाँ तक पीएचपी लिख लें देन हमारा एस मतलब हमें मिक्स नहीं करना होता है एस के साथ इसको जहाँ पे हमने पीएचपी लिखनी है वहाँ पे पीएचपी ओपन करे और क्लोज करे जहाँ पे एच लिखना है

तो ये जो बॉडी ये पीएचपी में, में आपको ये समझ आ मैं यहां पे क्या होने लगा है? मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करने लगा हूँ गेट है ये वर्डप्रेस का फंक्शन है और यहाँ पे आप इसको करते हैं तो ये क्या करेगा कि जो आपका में सारे को कॉल कर लेगा ठीक है और जितने भी पेजेस पे आपने ये लगाया होगा तो हेड का सारे का सारा पार्ट

Header .php का कोड है उसको include कर रहे हैं, ठीक है इस बात की समझ आई है सबको इसको रिपीट कर दें प्लीज आ, बिल्कुल सेम हम करते हैं फोटो डॉट के लिए तो और क्लियर हो जाएगा मे ठीक है फोटो डॉट वाला पार्ट जो है वो भी सिमिलर ही है तो यहाँ पे फुटर है एंड हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है मैंने इसको कट किया और जो नीचे था अभी जो यहाँ पे फुटर शो हो रहा है ठीक है ये डेवलप्ड है मोहम्मद अली तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और अब जो है फुटर गायब हो गया तो इसके लिए जो फाइल बनती है वो होती है फुटर डॉट पी एच पी ठीक है और इस इसमें आपने वो फुटर का कोड पेस्ट करना होता है और देन एंड पे जहाँ पे भी आपने फुटर का कंटेंट शो करवाना है वहाँ पे आप पी ओपन करेंगे पी क्लोज करेंगे और इसके लिए फंक्शन होता है गेट फुटर एंड देन सेमी ठीक है इस तरह से तो अभी ये फुटर वाला भी पार्ट शो होना शुरू हो गया ठीक है यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन इसको ना आप लोगों में से कोई रिपीट करे अब जिसको समझ आई है सर सर जी वो जी आपने जो टाइटल लिखा था और लिंक लिखा था और और चीजें लिखी थी वो तो आपने अभी इस फोल्डर में नहीं लिखी ना किस में नहीं लिखी

सही है सर सर यानी हम एक फॉन्ट्स का फोल्डर बनाएंगे एम का और और जितनी पेच पी की फोल्डर बनाएंगे चाहिए होंगे वो बनाएंगे और सी का बनाएंगे बस यही प्रोसेस होगा सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही आ, मेरी आवाज आ रही है ये इमेजेस का फोल्डर सिर्फ इसलिए है कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहे हैं हमारे थीम में इमेजेस अलग फोल्डर में हो और जो हमारे कुछ टेम्पलेट हमने यूज करने वो भी टेम्पलेट के फोल्डर में हो तो इसलिए हमने ये फोल्डर्स बनाए हुए जरूरी नहीं है सिर्फ थीम अह के लिए ना index.php की रिक्वायरमेंट होती है और style.css की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद जिस तरह ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमने ज्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है जिस तरह index.php में तो सिर्फ सिर्फ बेसिक सी चीजें ही हम ऐड कर सकते हैं ठीक है तो हम सारी चीजें ऐड करेंगे तो तभी एक प्रोफेशनल अच्छा थीम बन पाएगा ना एंड पे मुझे सर मुझे अभी भी जी जी प्लीज सर सर ये जो ये तो हम एलिमेंटर के थ्रू भी बना सकते हैं ना ये इस तरह की वेबसाइट लेकिन ये तो हम बिल्कुल कस्टम बना रहे हैं बिल्कुल बना बना सकते हैं लेकिन इसमें मसला ये आ जाता है कि समटाइम्स आपको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं थीम्स में या आ, आपकी वेबसाइट में कि वो आप प्लगइन्स के थ्रू या पेज बिल्डर के थ्रू अचीव नहीं कर पा रहे होते ठीक है तो इसलिए थीम्स डेवलपमेंट का नॉलेज है ना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को हेल्प करेगा प्रोफेशनल कैरियर में कि आप आपको यह भी पता है कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है अपने थीम में या खुद से कोई चीज डेवलप करनी है तो मुझे किस पेज को टारगेट करना है या किस फाइल को टारगेट करना है सही ठीक है और...